बचाओ अभियान के अंतर्गत पिछले 7 साल से विष्णु मनोहर काम कर रहे हैं। सेफ फूड मिशन की बरसों की सोच और 5 साल के कठिन परिश्रम से यह अध्ययन किया है। किसान अपने परिश्रम से खेतों में एक एक अन्न के मेहनत करता है और हम लोग इस अन्न को बर्बाद करते हैं। इस विषय पर जनता को एहसास हो और सेफ फूड मिशन को सहयोग मिलने हेतु यह अभियान किया गया। सेफ फूड मिशन के अध्ययन के अनुसार अपने देश में शादी की पार्टियों में, होटल्स में, भोजनालय में, धर्म के अन्नकूट में, मेस में, टिफिन मेस में, वस्तिग्रह में, हर सामूहिक भोजन में बेफिक्र से झूठन के तौर पर थाली में अन्न छोड़ देते हैं। इसी की वजह से अपने देश की 19.4 करोड़ जनता भूखी सोती है और हर वर्ष 7,18,49,150 टन अन्न बर्बाद होता है, जिसकी कीमत 90,000 करोड़ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का ताजा अहवाल यह कहता है कि दुनिया में हर वर्ष 1.3 अब्ज टन अन्न बर्बाद होता है और 87 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। यह देश और दुनिया का विदारक सत्य है। इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये मैसेज कहीं ना कहीं सर्वदूर जाना चाहिए, इसलिए इस पर फिल्म बना रहे हैं। और सेव फूड मिशन में हम यही बता रहे हैं कि किस तरह से जाने अनजाने में हम फूड वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे ताकि लोगों को पता चले कि हाँ भाई, ये छोटी सी चीज़ करने के बाद हम खाना बचा सकते हैं और जो भूखे उन्हें खिला सकते हैं। प्रयास तो हमने तकरीबन एक 6 महीने एक साल पहले से शुरू किया, एक छोटी उसके ऊपर अभी हमने पायलट फिल्म भी बनाई और अभी कोविड खत्म होने के बाद 1-3 महीने में इसकी हम शुरुआत करेंगे। इस विषय पर जनता को आगाह करना यह समय की मांग है। अन्न बचाओ अभियान के अंतर्गत ऐसे विषय पर लघुपट निर्माण करने का निर्णय लिया गया। लघुपट निर्माण के बाद इसका प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, देश के सभी शैक्षणिक संस्था, होटल, भोजनालय, धर्मालय के अन्नकूट, सोशल मीडिया, गली से दिल्ली तक प्रदर्शित करने की विष्णु जी की योजना है, ताकि यह संदेश पूरे देश और दुनिया में जाए। विचाराची शुरुआत 25 वर्षापूर्वी हा जो डोक्यात विचार आला याची सुरुवात झाली 25 वर्षापूर्वी आणि नंतर मग हळूहळू जो आहे त्याच्यावर लिखाण झालं, त्याच्यावर पेपर्समध्ये त्याचे लेख आले आणि त्याच्यानंतर मग पूर्ण टोटली एक त्याच्यावर पुस्तक लिहिलं आहे आणि त्याच्यानंतर मग आता वाटलं की या ठिकाणी आपण आता ॲक्शन मोडमध्ये यावं। एक आमच्या फेसबुकवर यूट्यूबवर आपण गेलं तर सेव्ह फूड मिशन ओपन करायची, फेसबुकवर गेला तर सेव्ह फूड मिशन ओपन करायची, त्याच्यामध्ये 3 क्लिप आहे 5-5 मिनिटाच्या, ती आपल्याला पाहायला मिळतील, त्याच्यामध्ये विस्तृतपणे पूर्ण लिहिलेलं आहे। तर या बाबतीमध्ये आज छोटे प्रयत्न झाले पण छोट्या प्रयत्न काही खरं नाही आहे। एवढा मोठा देश आहे आणि एवढा मोठा विषय आहे, त्यासाठी भव्य स्वरूपामध्ये काम करणे याच्यावर खूप गरजेचं आहे। म्हणून तो निर्णय घेतला की या माध्यमातून एक साधारणतः 45 मिनिटाची जी लघुपट आहे त्याच्यामध्ये ॲक्ट पण राहील आहे, लघुपट निर्माण करून आपल्याला आता हे जे सध्या जे सुरू आहे अमृत महोत्सव, या अमृत महोत्सवाच्या आखरीपर्यंत ते पूर्ण तयार झाला पाहिजे। मी ॲक्च्युली प्रल्हाद गिरोळकर जी जे आहेत, जे सेव्ह फूड मिशनचे फाउंडर आहे, मी यांना 2-3 वर्ष आधी भेटलो, तेव्हा मी नुकताच फिल्म स्कूलमधनं पासआउट झालेलो होतो आणि तेव्हा ॲक्च्युली आमच्या काही फिल्म्स इंटरनॅशनल लेवलला ट्रॅव्हल होतो, तर एक आता मी काही डॉक्युमेंटरीज वगैरे बनवल्या, त्यानंतर मला असं वाटलं की आपण एक कॉन्फिडेंटली आपण या विषयावरती, सेव्ह फूड मिशन या सब्जेक्टवरती आपण एक खरंच आपल्या मीडियमला घेऊन आपण एक काहीतरी चांगलं कॉन्ट्रीब्यूट करू शकू, जेणेकरून येणारी जी पिढी आहे किंवा येणारे जे फ्युचर आहे आपल्या कंट्रीचं म्हणा किंवा पूर्ण जगाचं, याला आपल्याला खरंच म्हणजे एक गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे, जेणेकरून जो काही आपण बघतो आहे काही बाहेरच्या कंट्रीजमध्ये, आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये आज जे काही क्राइसिस आहे, जिथे लोकांना खायला प्यायला त्यासाठी लिटरली लोक मर्डर करतात एक दुसऱ्याचा की त्यांना, कारण की अन्न नाही आहे, तर हे जर फ्युचर आपल्याला बघायचं नसेल आपल्या देशासाठी, तर ह्या विषयाला आपल्याला खूप सिरियसली घेणं आवश्यक आहे। आता या लघुपट प्रदर्शित होने के बाद जनता का ध्यान इस विषय पर आकर्षित होगा। अन्न बचाओ के विषय पर सोच में निश्चित बदलाव आएगा, क्योंकि यह देश हित और जनहित के लिए आवश्यक है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।